ये ले, जल्दी जल्दी से नाश्ता कर ले, और भी बहुत से काम है। ये क्या उलिया बनाया तुमने? क्यों, अच्छी नहीं लग रही? अजमीर और सोया की शादी तो कल है और तुम आज से तैयार हो गई हो, क्यों? रहने दें, आपको क्या पता। शादीशुदा औरतों को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए, उनके हुलिये से ही उनके दुख सुख का पता चलता है। अब इस फजूल बात का क्या मतलब है? अरे भाई, शादी वाला घर है, लोगों का आना जाना है। अब अगर मैं इस तरह तैयार नहीं हूँगी तो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। कोई दुख मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे यूं गोला गड्ढा बनने से लोग समझेंगे कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। और नहीं तो क्या? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? लैला बेगम, औरत अगर मर्द के साथ खुश हो ना तो उसको सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसकी खुशी उसके चेहरे से पता चल जाती है। रहने दें, सब समझती हूँ मैं। जब से जोया और अजमीर का रिश्ता तय हुआ आप तो मुझे जाहिली समझने लग गए। मेरी दादी कहती थी कि लड़कियों को सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए जिससे उन्हें उर्दू लिखनी पढ़नी आ जाए। ज्यादा पढ़ पढ़ के तो लड़कियों की रंगत मान पड़ जाती है। जोया को देखें, क्या हाल हो गया उसका। और वैसे भी ये बात याद रखें, मैट्रिक किया है मैंने, जाहिल नहीं हूं मैं। ओहो, ये तो मान पड़ गया है, पॉलिश करानी पड़ेगी। अजमीर, अजमीर, माँ जी, माँ जी, आपने अजमीर को कहीं देखा है? मैं उसके कमरे में गई थी उसे नाश्ता देने, वो वहां पे नहीं था। नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मेरे ख्याल से तुम्हारे अब्बा जी के साथ कहीं गया होगा। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपकी हेल्प कराऊं? बेटा, मैं जोया को बरी में चढ़ाने के लिए सेट निकाल रही थी, मगर देखो मुझे तो लगता है ये मान पड़ गया है, पॉलिश करानी पड़ेगी, है ना? जी, मान तो पड़ गया है लेकिन है काफी भारी। आप ये सेट जोया को देंगी? हाँ बेटा, ये अजमेर की नानी का सेट है, उन्होंने मुझे दिया था अजमेर की दुल्हन को देने के लिए। बहुत लाड करती थी अजमेर से। कितना संभाल के रखा है ना आपने इसे, पता नहीं सोया कदर भी करेगी कि नहीं। क्या मतलब? अम्मा जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के तो नखरे ही बहुत होते हैं, उन्हें तो हर चीज नए जमाने की चाहिए, और अपनी जोया तो ठहरी डॉक्टर, पता नहीं वो ये सेट पहनेगी भी कि नहीं। मैं तो कहती हूँ रहने ही दें इस सेट को। अब देखिए ना, आप इतने चाव से उसे देंगी और अगर उसने ना पहना आपका तो दिल बुरा हो गई ना। और वैसे भी शादी ब्याह वाला घर है, आपकी माँ की निशानी इधर उधर हो गई तो फिर। तो फिर मैं क्या करूँ, जोया को बरी में क्या चढ़ाऊँ? मैंने तो अजमेर की दुल्हन के लिए यही सेट रखा हुआ था बेटा। ऐसा करें कि जब सोया रुखसत होके इस घर में आएगी ना तो उसे कोई नया सेट ले दें, बल्कि यही सेट दे दें, लेकिन कम से कम आपकी नजरों के सामने तो रहेगा ना। फिलहाल जोया को कोई नकली सेट दे दें। ये देखे खाला, नगमा के लिए सोने का सेट और नायला के लिए सोने की झुमकियां हैं, और ये एक एक फैंसी सूट है। शाहनवाज और नेमत भाई के लिए भी एक एक सूट है, और लिफाफे में 3,000 रुपए। खालब, ये सब ठीक है ना? अरे ये सब बहुत अच्छा है। ये बताओ, नगमा ने तुम्हारी बेटी को बरी में क्या क्या दिया? अरे खाला, अभी बरी आई कहाँ है, वो तो शाम को आएगी। तुम ये सब बहुत अच्छा करे, बस दुआ करो कि वो भी तुम्हारी बेटी के हक में अच्छे हों।
खाला आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसे नहीं कह रही, कुछ देखा है इसीलिए कह रही हूँ। नकली सेट बरी में? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी, सारी बिरादरी में थूथू हो जाएगी बेटा। अरे माँ जी, कैसे बदनामी होगी? आप सबको कह दें कि ये सेट सोने का है। अरे आप जोया की सगी चची हैं, कोई गैर थोड़ी कि वो लोग जांच पड़ताल कराते फिरेंगे कि बरी में आया सेट सोने का है या नकली। खरी की तो बात है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। आप मेरी बात पे गौर जरूर कीजिए। अस्मीर, हाजरत आई। हाजरत आई। अरे क्या हुआ नायला? आपने अस्मीर को देखे थे? नहीं बेटा, वो तो जोया जब से माइयों बैठी है अस्मीर ने तो नीचे आना छोड़ दिया है। पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं करके गया। यहीं कहीं होगा। हमारी होने वाली देवरानी कहाँ है? वो अपने कमरे में मेहंदी लगवा रही है। अच्छा अच्छा। हाजरा बीबी, आपने जो जोया बीबी के लिए बादाम और पिस्ते वाला दूध दिया था ना, मैं लेके गई थी मगर उनका कमरा तो बंद है, अब मैं इस दूध का क्या करूँ? अब इसे तुम मेरे सर पे मार दो। हायला बाजी, इसमें तो बादाम और पिस्ते हैं। सीमा, कभी कुछ अपनी अक्ल से भी कर लिया करो, हर बात तुम्हें समझानी पड़ती है। अरे इसे रख दो, बाद में दे देना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ इसे फ्रिज में रखो और किचन में आओ, इतने सारे काम पड़े हैं। अरे बेटा, तुम खुद ही अजमीर को ढूंढ लो ना, मैं जरा काम निपटवा लूं। ये बंद कमरे में कौन सी मेहंदी रचाई जा रही? देख क्या, मेहंदी नहीं लगाई तुमने? हाँ तो मैंने तुम्हें कहा तो था कि जब तक तुम नहीं लगाओगे मैं किसी से मेहंदी नहीं लगाऊंगी। कितनी जिद्दी हो तुम जोया, मुझे भला मेहंदी लगानी कहाँ से आ गई यार। अच्छा ना, अपना नाम ही लिख दो। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? पागल। अरे रुक जाओ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो तुम? क्या हुआ? अपनी राइटिंग तो देखिए इंजीनियर साहब। इंजीनियर्स की राइटिंग ना डॉक्टर से बहुत बेहतर होती है। ये क्या किया? मिटा दिया। बुरा लग रहा था ना मेरा नाम तुम्हें अपनी हथेली पे? राइटिंग बुरी लग रही थी, तुम्हारा नाम नहीं। नाराज क्यों हो रही? तो दोबारा लिख देता। कोई जरूरत नहीं है, हाथ पे लिखे नाम कोई मजाक नहीं होते। एक बार लिख दिया, फिर मिटा दिया और फिर दोबारा लिख दिया। अरे इस तरह नाराज हो के मत जाओ जोया, आज माइयों है हमारा, थोड़ी देर रुक जाओ। छोड़ो मेरा हाथ, सब मुझे नीचे ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं होता जोया, तो मैं तुम्हारी जिद से परेशान हूँ यार, नाराज होके जा क्यों रही हो? जोया इज़मीर, एक बात याद रखना, तुम्हारा नाम मेरे हाथ से तो मिट सकता है लेकिन मेरे दिल से नहीं।